लोकसभा चुनाव का विशेष कवरेज नेशन टीवी बिहार पे आपको देखेंगे। देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और बिहार में किसका रहेगा पलड़ा भारी, पूरा कवरेज दिखाएंगे कि लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, लोगों की क्या राय है। जुड़े रहिए नेशन टीवी बिहार के साथ। यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें और कमेंट शेयर लाइक करना न भूलें। इस वक्त नेशन टीवी की टीम आई हुई है हाजीपुर के इंडस्ट्रीज एरिया के पास और आपने जो फर्स्ट में विजुअल देखा है ये नाइपर है और इसका स्थापना जो है हाजीपुर के पहले के सांसद रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बनवाया हुआ है। उन्होंने ही इस जगह पे नाइपर का स्थापना करवाया था और इंडस्ट्रीज एरिया में कई जगहों पे उन्होंने काम करवाया था कहा जा रहा है। उसके साथ ही हाजीपुर के बारे में कहा जाता है कि रामविलास के नाम से जिस तरीके से हाजीपुर को प्रसिद्धि मिली ये पूरे दुनिया में रही। अभी हम आए हुए हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ ये सीट जो है हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से रामविलास के पुत्र चिराग पासवान जो है चुनावी मैदान में हैं। 20 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने हैं। कल ही नरेंद्र मोदी यहाँ पे चुनावी सभा को संबोधित भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी के आने के बाद हाजीपुर में किसका माहौल जो है ज़्यादा बना है और किसका पलड़ा इस बार भारी रहेगा। तमाम मुद्दे पे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ही से जान लेते हैं, आपका कहाँ घर हुआ सर? पटना जिला। पटना है। चुनाव ना हो रहा है कुछ मालूम है? चुनाव तो हो ही रहा है। किसका माहौल लग रहा है ज़्यादा अभी? क्या क्या बोले माहौल, अब सब अपना अपना सबका विचार है माहौल। आपको लगता है कि से 10 साल में मोदी जी का जो है जो कार्यकाल रहा उसमें विकास हुआ है देश में, क्या कहें? विकास तो होवे कर रहा है, विकास तो थोड़ी। आप लोगों को डायरेक्ट कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं? आप लोगों को डायरेक्ट में कुछ लाभ हुआ है कि नहीं? हमने तो खर्चे तो खाते हैं, अब हमने के लाभ का चाहिए के मतलब काम को आप कितना जो है तवज्जो देते हैं? सब अथी है, चल रहा है जो, अब हमने सब तो काम करते हैं खाते हैं, अब अथी है तो क्या करा जाएगा। पटना में काम उम हुआ कि नहीं? पटना में तो पाटलिपुत्र रुक रहा है, काम तो भला बुरा सगड़ो हो रहा है। अच्छा, आपके नज़र में मोदी जी अच्छे हैं कि राहुल गांधी जी? बिहार में किसका कौन से लीडर आपको पसंद है? लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, नीतीश कुमार, किसी का नाम? अब सबका आती है, अब किसको हम बताएं, सब सब अपना अपना। एक और हैं चाचा जी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव जिस तरीके से हो रहा है क्या कहेंगे, 10 साल के कार्यकाल में अगर देखें तो मोदी जी का कार्यकाल आपको कितना संतुष्ट करता है, क्या कहेंगे? मैं तो देखो यहाँ का हूँ नहीं, मैं तो रहने वाला यूपी का हूँ, मुंबई से ट्रक लेके आया हूँ। अच्छा, यूपी के रहने वाले? हाँ, लेकिन चाचा जी अभी मुद्दे हैं कहाँ, इलेक्शन में कहाँ मुद्दे हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यूपी में तो मतलब बुलडोजर बाबा के नाम से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जाने जा रहे हैं वहाँ पे कहा जा रहा है कि खूब काम हुआ है, भरपेट काम हुआ है। मालूम पड़ेगा ना अभी 4 तारीख को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो पब्लिक। आप लोग तो जितवाने का काम किए हैं ना? अरे हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं। हाँ, यूपी में असली घर है और महाराष्ट्र से आया हूँ इधर। यूपी के हैं तो कैसा काम वहाँ पे होता है? मैं नहीं अभी जाऊँगा गाँव, पब्लिश होता है जितना मीडिया में उनका चर्चा रहता है, बाकी में उतना काम हुआ है यूपी में? अरे हमारे गेहूँ सब खा गई वो है ना योगी की गाय, वो हम लोग रहते नहीं हैं, सब फसलें खा गई। कौन फसल खा गए? गेहूँ का, अभी मकई है, मकई खा रहे हैं। आदमी खा रहा है, कौन खा रहा है? जानवर, गाय भैंस नहीं है, नील गाय तो है, गाय बैल भैंस, गाय बैल खुला छोड़ते हैं, घूमते कोई रोकने वाला नहीं। मतलब गाय को तो माता माना जाता है देश में, तो इसीलिए जो है गाय को छोटा जो है छोड़ दिए हैं कि अपना खाइए फसल। खुल्ला घूम रहे हैं, एक है ना रोड पे बैठ जाते हैं, ट्रैफिक में जाम होता है, एक्सीडेंट होते हैं। मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगता है? मोदी जी तो खाली कार्यकाल तो बहुत अच्छा है। इस बार आपको क्या लगता है, सरकार बदलना चाहिए, राहुल गांधी का सरकार आना चाहिए? परिवर्तन तो होना ही चाहिए, फिर सामने वाले को तो देखो कुछ जो भी है, परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं हमसे जुड़ेंगे, इन लोगों से भी जानेंगे हाजीपुर में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ पर शिवचंदा राम वर्सेज चिराग पासवान एकदम लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। सबसे पहले तो आपसे ही जुड़ेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है, चिराग पासवान इधर NDA से, वहीं इंडिया गठबंधन से शिवचंदा राम,
किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन चुनाव में नैया पार करेंगे? इस बार के चुनाव में सिर्फ चंद्र राम का पलड़ा भारी है और यहाँ से उन्हीं का जीत होगा। क्या वजह है कि आप लोग से चंद्र को चाह रहे हैं? वजह यही है कि हम लोगों को 10 साल में बहुत दिक्कत हुआ मोदी सरकार से। गरीब दिक्कत हुआ क्या? दिक्कत नहीं हुआ। अरे 500 रुपये का गैस 1200 में, महंगाई जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चरम पे है। दाम बढ़ ही गया, हर चीज़ बढ़ा हुआ है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन का लहर चल चुका है। मोदी जी हाजीपुर में आए हैं, इसके बाद लगता है कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है? कुछ नहीं बदला है। सब आदमी के मन हो चुका है कि भाई परिवर्तन होना चाहिए। हाजीपुर में विकास की बात करें तो आप लोग क्या चाहते हैं? हाजीपुर में कौन कौन से काम जो है होने चाहिए अभी यहाँ पे? अभी फैक्ट्री एरिया है, ये सब को बढ़ना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं, बहुत सा कंपनी सब बंद है। चिराग जी के पिताजी रामविलास जी तो लगातार हाजीपुर में जिस तरीके से काम किए हैं, तो आपको क्या लगता है सही? वो तो किए थे पासवान जी, तो बहुत किए थे हाजीपुर के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो तो है ही नहीं। अब वो है ही नहीं तो क्या करेंगे? चिराग जी से उम्मीद नहीं है? देखिए चिराग जी क्या करेंगे न करेंगे अब तो उनके ऊपर है, क्या करेंगे न करेंगे तो उनके ऊपर ना है। इस बार मतलब आपको लग रहा है कि जो है परिवर्तन होगा हाजीपुर में? चलिए आपसे भी जुड़ते हैं, क्या लग रहा है हाजीपुर में लोकसभा चुनाव का माहौल अब बहुत ज़्यादा गर्मा गया है, 20 तारीख को चुनाव होने हैं, आज 13 तारीख हो गए, आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए हमारे पूर्व नेता रामविलास जी का ही क्षेत्र रहा है और उन्होंने 77 से जो ऐसे चुनाव में थे और बहुत अच्छे लीडर थे, आज भी कभी वो किसी के पैरों लड़ जाके नहीं रहे और उनके अभी जो होते तब बहुत वो कलपते और वो माने मरने के बाद भी उनको बहुत ही, अभी चिराग पासवान जो हनुमान बन के घूमते हैं और जो दलितों को और जो ऐसे पिछड़ों का मैंने खिलाफ जा रहे हैं हर चीज़ के अथि में, एक तरह से भाजपा जो है पूंजीपतियों के शासन करना चाहता है, माने कर रहा है, करना नहीं चाहता कर रहा है, और इन ये चिराग पासवान जो ऐसे उनको हर जगह जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इनको पिता का मूर्ति अथि फोटो का फेंका गया कूड़ा में, फिर भी इनको थोड़ा सा ही शर्म नहीं है कि हमारे बाप के साथ इस तरह के हुआ। आई रामविलास जी रहते हमारे बहुत अच्छे नेता थे, उनको बहुत शर्मिंदा है वो अपने आप, समझे नहीं, जिस तरह का इनका चरित्र है, माने तरवा चाटने का चरित्र जो है कुछ क्षण मिल, घर का सारा सामान जो है जिस तरीके से फेंक दिया गया दिल्ली में, तो फिर जो है भाजपा में इनको नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, हमारे कहने को था कि वो हमेशा जो ऐसे गरीबों के पक्ष में रहे हैं, हाजीपुर की आवाज रहे हैं, और इन्होंने क्या कर रहे हैं, इनको पूंजीपतियों के पक्ष में है, जहाँ 16 लाख करोड़ जो ऐसे पूंजीपतियों को माफ किया गया, किसान मजदूर जो ऐसे आप आत्महत्या कर रहा है, उनको जीवन जीने के लिए नहीं है, और उसके बाद उसमें सटा हुआ है 6 मिनट लाभ के लिए, ये कहीं से जायज नहीं कहा जाएगा इसको, और इनको एक बार अपने अंदर में झांकना चाहिए, अपने पिताजी के मूर्ति में झांकना चाहिए कि हमारे पिताजी क्या अभी तक रहे हैं, एक वोट से सरकार माने थोड़ा सा नहीं हुआ था, एक वोट से सरकार गिराए थे, उसमें दम था, उसमें नीतीश कुमार भी जो है हाल ही में आरजेडी में थे, चुनाव के पहले जो है इन मौके पे बीजेपी में शामिल हो गए, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जो सीट है उस पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए नीतीश कुमार अपने आप में कोई बुरा नेता नहीं थे, लेकिन भाजपा के जो है से उनको माने इस टाइप का बना दिया है डगरा का बैगन, समझे नहीं, कि हमेशा गुड़काते रहता है, उनको यूज करते रहता है, और बैगन वाला काम तो खुद ही कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, ऊपर से जो है ऊपर से दबाव है, बहुत से नेता अड़ गए, जैसे कि लालू जी के परिवार अड़ गया, माने केजरीवाल अड़ गए, माने झारखंड के मुख्यमंत्री अड़ गए, तो माने अड़ गए तो जेल जाना पड़ा, नहीं अड़ते तो जो ऐसे उनके चरण में होता। बताइए अभी पारस जी जो ऐसे इसके पहले सांसद थे, पारस पासवान सांसद थे और उन्होंने साथ भाजपा वाला यह किया, समझे नहीं, कि उनको खुद शर्माना चाहिए था, और फिर थूक बिगने के बाद फिर वहीं पर जाके खड़ा है, लाइन में लगे हुए हैं, उनके चरणों में जाके गिर गए। हाजीपुर में विकास की अगर बात करें तो क्या यहाँ पे होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं कि एक सांसद जो है अपने हाजीपुर में क्या करना चाहिए एक सांसद? देखिए
अभी तक के संसद कोटा से जो भी मिलता है उसको कोई संसद उसको खर्च नहीं कर पा रहा है। जो माने मौलिक अधिकार है, जो लोकतंत्र में जो हर किसान मजदूर का अधिकार है, उसको हनन किया जा रहा है। जब तक मजदूर और किसान का आय का स्रोत नहीं होता है, मध्यम वर्ग खुशहाल नहीं होगा, जब तक देश का भविष्य नहीं बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा कैमरा पीछे ले जाइएगा, और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी थोड़ा बातचीत, सरपंच साहब भी आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल में, जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ गया है, बहुत सारे लोगों का अनुमान है कि चिराग पासवान जो है कड़ी टक्कर देंगे, वो चुनाव निकालेंगे, आपके अनुमान में क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ लड़ाई एक तरफ देश बेचने वाला, संविधान ख़त्म करने वाला, और दूसरी तरफ संविधान और देश के बचाने वाला की लड़ाई। यह लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई जो परिस्थिति है, सत्ता परिवर्तन के लहर चल चुका है, और ये से इस बार सत्ता परिवर्तन, देश में सत्ता परिवर्तन के लहर चला है, और इस बार मोदी सरकार को पूरी तरह एकदम 400 के उस जो सपना देखे हैं उनका जो है 100 के करीब सीट आएगा। अच्छा, तो आप लोग मोदी सरकार को बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपको लगता है कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है, आप उनके कार्यकाल से असंतुष्ट हैं? देखिए, मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है, उन्होंने किया है बहुत सारे, वही पर बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने काम तो किया है, उन्होंने कहा था जनता से, जिस समय वो प्रथम बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं के प्रति वर्ष रोजगार देंगे, रोजगार किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 2022 तक एक भी हमारे देश में झोपड़ी नहीं होगा, सबको पक्का के मकान होगा। क्या आपने घूम रहे होंगे, देख रहे हैं कि झोपड़ी आपको नहीं मिल रही है? झोपड़ी तो हमको लगता है कि जो सच्चाई है, रियल बात यह है कि आप हाजीपुर शहर में चलिए, आसपास में चलिए, झोपड़ी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ झोपड़ी जो है रोड पे जो लोग रहते हैं अस्थाई तौर पे, है ना, वही लोगों को हम लोग देखे हैं, लेकिन झोपड़ी आप कहीं दिखाई नहीं दे। हमको लगता है कि एस्बेस्टस का रूम तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता रहे हैं, झोपड़ी चलिए अभी दिखा देते हैं, और रोड पर बसने के लिए मजबूर कौन है? हमारे मजदूर लोग हैं, हमारे गरीब तबके के लोग हैं, वही आज रोड पर बसने के लिए मजबूर है। ये बताइए कि उनका जब हमारे देश जब गुलाम था, और गुलामी से जब आज़ादी मिला, तो क्या आज़ादी मिला था छन लोगों के, मतलब 10% या 20% लोगों को मिला? एक चीज़ बताइए, हाजीपुर में आप लोग कौन से मुद्दे पे इस बार वोटिंग करेंगे, और निकलेगा कौन, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि ये जुमलेबाज के रामविलास जी आदरणीय नेता थे, हम लोग भी उनको मानते थे, लेकिन जब रामविलास जी को फोटो, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो जो निकाल करके रोड पर बिक दिया गया, उस व्यक्ति को जिसे पासवान समाज चिराग पासवान के राम समझा था, आराम जाके बन गया हनुमान, मोदी के हनुमान बन गया, तो अब तो हमें राम के तलाश, जो हमारे असली राम थे, जो अंबेडकर जी हमारे असली राम थे, उनका फोटो तक के बिक दिया गया, और उनको मतलब ये आदमी को अभी तक शर्म नहीं आया कि हमारे जो जिसके बल पे इन्होंने कहा, जानते हैं आपको 13 अप्रैल 2016 में इन्होंने कहा था, चिराग जी सदन में बोले थे कि जो भी संपन्न लोग हो गए हैं, जो दलित समाज के लोग, उनको जो है आरक्षण से बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहिए। मिला के देखा जाए तो इस बार आप लोग परिवर्तन, जब वो आरक्षण जी क्या कहेंगे, तो आपको लगता है कि हाजीपुर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, और देश भर हाजीपुर परिवर्तन की ओर बढ़ चला है, और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आपका क्या नाम हुआ बाबा, कहाँ के रहने वाले? हम गया के रहने वाले। गया के रहने वाले, से कौन निकल रहे? हमारा का खुर्सा सभा कौन निकले, हम अनपढ़ आदमी। उनको उन्होंने खड़ा हो, उन्हें मांझी खड़ा है, उन्हें पासवान खड़ा है, जीतन मांझी है। जीतन मांझी का क्या माहौल लग रहा है? अब हमारा तो घूमे जाए, हम तो अपना कमाई खाए वाला आदमी ही ना। वोट उठा ऐसे देते हैं? देते हैं तो हमारा फुर्सत न है, तो वोट दे दिए, पड़ गया है। चलिए, आप क्या कहेंगे बाबा, क्या लग रहा है हाजीपुर का चुनावी माहौल, जिस तरीके से अब उफान पे है, इधर चिराग पासवान, तेजस्वी
शिवचंदर राम दोनों खड़े हैं, आमने सामने की लड़ाई कही जा रही है, आपको क्या लग रहा है? ये मेरी परिवर्तन का लहर है, पूरे हर जगह परिवर्तन का लहर है। हम लोग देख रहे हैं कि जी शिवचंदर राम काम नहीं करेंगे तो अगला 5 साल में उनको भी हटा देंगे। लेकिन 5 साल पर हम लोग का विचार है कि सब आदमी को हेरा फिर देखा जाए कौन क्या काम कर रहा है। सबसे अच्छा काम यहाँ पे कोई सांसद रहते हुए किसने किया है? किया था शुरू में, किए थे राम बिलास जी, उसके बाद कोई काम नहीं। उन्हीं के तो पुत्र हैं चिराग पासवान, भाई पारस जी थे, एक दिन चेहरा नहीं देखा है। तो ये जब चिराग पासवान काम करते तो जम्मू क्यों छोड़े, जम्मू में इनको लड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि इसे हमारे पिता की जो है कर्म भूमि हाजीपुर है, इसीलिए हम हाजीपुर में रहेंगे, यहीं से चुनाव जीत के हाजीपुर को जो है विकसित हाजीपुर शहर बनाएंगे। कर्म भूमि था तो उनका चाचा को नहीं, अपने लड़ना चाहिए उस समय। उनका पारस जी का नाम काट के चाहे उनका भतीजा प्रिंस के नाम काट कर बनोई का टिकट जम्मू से। जी कल आए हुए थे, बोल रहे हैं कि पूरा जो है माहौल है इसी लहर देते हैं, जिनका जो जो आदमी जूठा था उन्हीं का कर्ज करता था पूरे जिला का, लेकिन कोई बगल बगल का नहीं था। दिखावा के लिए वो गाड़ी मंगा के आदमी को इकट्ठा किए हुए थे। कुछ लोगों से जुड़ते हैं, आपका क्या नाम हुआ और आगे आ जाइए, क्या नाम हमारी, क्या क्या कहेंगे इस बार, किसका पलड़ा भारी है हाजीपुर में? हम लोग तो कोशिश में लगे हुए हैं, 100% कोशिश में लगे हुए हैं कि शिवचंदर राम जी, 100% आप कोशिश में लगे जी। अच्छा, ये यहाँ पर तो जो है हमेशा से जो है रामविलास का गढ़ रहा है, हमेशा से जीतते रहे रिकॉर्ड बहुमत से, इस बार जो है चिराग पासवान खड़े हो गए, वो कह रहे हैं कि कर्म भूमि है हमारे पिताजी की और इस बार जनता जो है हमको जनादेश देगी। सही बात है, उनका कर्म भूमि था लेकिन अब नहीं है। उनके पापा थे तो 50% तक वो कर्म भूमि बनाए हुए थे, लेकिन वो नहीं बनाए हुए हैं। अभी चुनाव का माहौल है तो वो बार बार आते हैं अपना चुनाव का वोट लेने के लिए, और हमारे जो निचले जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको बहलाने और बरगलाने के लिए, क्योंकि हाजीपुर का जो स्थिति है वो हम लोग रह रहे हैं, हाजीपुर शहर में हम लोग रह रहे हैं और क्या स्थिति है वो हम लोग समझते हैं। नर्क जो होगा ना, नर्क से भी कौन से मुद्दा पे इस बार जो है वोट करेंगे, क्या कहें? वोट ये करेंगे कि कोई भी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, चाहे पीएम हो, सीएम हो या फिर विधानसभा में हो, नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पुराने में तो आप जो किए वो देखे, ठीक है, कुछ अच्छा भी था कुछ खराब भी था, और हाँ इस बार बदलना चाहिए नीचे से। आप क्या कहेंगे, कुछ बोलिएगा, कहाँ के रहने वाले? हाजीपुर के, हाजीपुर के रहने वाले। जी जी, बोलना नहीं चाह रहे हैं, कुछ तो बोलिए, क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, बस अभी तो शुरू हुआ है, तो खत्म होने वाला 20 के चुनाव हो जाए, शुरू हुआ है ना खेला, अब शुरू हुआ है। हाँ, जो पहले खेला हुआ तो खत्म हो गया, अब शुरू हुआ है, अभी से शिवचंद्र जी के लिए दौड़ेंगे। चिराग जी भी युवा नेता हैं, क्या कहें? अभी तो खड़े हुए हैं, वो अभी तो उनको जिंदगी काटना बहुत लंबा समय है, 40-41 साल उम्र हो गया, करें सियासत में खड़े हुए हैं ना, अभी कदम रखे हैं वो, अब लोग जनता जितने लोग हैं सब लोग समझेंगे बूझेंगे किस नेचर के हैं क्या है। एक चीज बताइए, हाजीपुर में कौन से मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा तो बहुत चीज़ है, ऐसा बात है जो अब तो नए लोग को चांस देंगे तभी तो देखेंगे ना क्या है, ऐसे तो विकास का मामला है। चंदर राम से उम्मीद है वो काम कर देंगे हाजीपुर में? तो उम्मीद सब लोग लगा के रखते हैं नए युवा को लाने के लिए। हमको लगता है कि विकास वाला मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे द्वेषता जिस तरीके से है, लोग चाहते हैं कि भाई इधर कुछ लोग जो है शिवचंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो है चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं, मुद्दा तो काम वाला। हमको लगता है कि कौन सांसद जो है काम करता है क्षेत्र में, हम लोग का द्वेष नहीं है, किसी से भी कोई द्वेष नहीं है। सबसे बड़ा चीज मुद्दा ये है कि हमारे शहर का विकास होना चाहिए, वैसा में क्या काम होना चाहिए? हाजीपुर शहर में सबसे पहले नंबर तो नाला का कहीं भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, और शहर सिर्फ नाम का हो गया है। मोदी जी क्या बोले थे कुछ दिन पहले शुरू में कि एक भी झोपड़ी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप हाजीपुर शहर में हमारे साथ चलिए और घुमा दे तो अभी भी 80% झोपड़ी है। क्या बात कर रही है, 80% कहाँ कहाँ बताइए ना, हमारे साथ आप चलिएगा हम घुमा दें आपको झोपड़ी। आप लोग जाते हैं कहाँ, जहाँ मेन रोड है, आप लोकेशन बताइए, हम उसका विजुअल दिखाएं। लोकेशन में हम बता रहे हैं जितने भी हर वार्ड में झोपड़ी है, और कोई भी नेता हो, मीडिया हो या कोई भी अधिकारी हो, वहीं पे जाता है जहाँ पे देखने में माहौल अच्छा हो। अगर वो माहौल रहता तो हम इस होटल का अभी न्यूज कवरेज नहीं करते,
हम जाके अनामिका होटल में न्यूज कवरेज नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं। अगर ऐसा बात है तो आप हमारे साथ बताइए ना लोकेशन जहाँ पे 80% जो है मरई दिखाई दे रहा है। छोटे सुपुर में आइए, बड़े सुपुर में आइए, आपको हो गया इधर नाका नंबर के तरफ चलिए। 80% का और समझ रहे हैं कि 100 में 80 घर मरइये है, अभी भी है। तो छत का मतलब, घर का मतलब क्या होता है? करकट चढ़ गया तो घर हो गया। करकट भी आपको दिखाए, हमको तो लगता है कि हाजी, देखिए चुनाव कोई जीते, आप जिसको जीतवाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रियलिटी है अब कहीं ना कहीं से माहौल बदला है पहले वाला। आप सरकार कई % आदमी को जो है ये बात सच्चाई है कि इसे घर बनाने के लिए पैसा दे रहा है, 2 लाख रुपया जो है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो है आपको आवास योजना में मिलता है ना। अब बताइए उससे क्या पक्का का घर बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा, सारा अपना पैसा लगा के जो है घर बनाता है। तो सारा घर अपने से आप डेवलपमेंट किया है जिसके वजह से आप ग्रोथ किया है। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मार है ना अभी यहाँ पे, बेरोजगारी। रोजगारी मुद्दा है, रोजगार वाला मुद्दा है, वो सब तो बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा है। उधर कैमरा ले जाइए मनीष जी। हाँ आप इधर है। 81 करोड़ हमारे सरकार को मानना है कि 81 करोड़ को राशन हम देते हैं, 81 करोड़ गरीब है। तो आंकड़ा उसके पास सरकार सरकारी का। आप इस पॉइंट पे संतुष्ट हो सकते हैं ना हम हो तो क्या? उनका कहना है कि 81 करोड़ जो है से हम जनता को राशन मुफ्त देते हैं, इसका मतलब है कि बहुत गरीबी बढ़ा है। उनका कहना है कि एक भी घर अब पक्का, माने झोपड़ी नहीं रहेगा, सब पक्का रहेगा। तो उसमें जो गरीबी रेखा के अंदर में है, माने 81 करोड़ उनके अंदर में पूरे अभी 80%, इनका कहना यह है कि 80% आज भी झोपड़ी के झोपड़ी है, माने वो जो काट के माने अथी गरीबी रेखा के बात कर रहे हैं, इसके आधार पर इन्होंने रखे हैं। अच्छा, उसके आधार हाँ। अब रह गया कि अस्सी परसेंट माने वो जो कर रहे हैं उनके अंदर भी 80%। अच्छा आप कुछ बोलिएगा, हमें क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है कि अभी तक हमारे देश में गरीबी रेखा तो तय हुआ, लेकिन अमीरी रेखा तय क्यों नहीं हुआ? अमीरी तो पहले ही तय हो जा रहा है। अमीरी रेखा तय क्यों नहीं हुआ? अमीरी रेखा भी तय होना चाहिए। इसका लोग तो बोलता है, देखिए आप चिराग पासवान, हम आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान जी बोले कि कुछ दिन पहले कि जो आरक्षण है तो हम लोग को अब नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अमीर हो गए। अब कह रहे हैं कि से आरक्षण का जो लेवल है किसको होना चाहिए? जो गरीब है, जिसको जरूरी है आरक्षण का। अब आरक्षण जिसको जरूरी नहीं भी है उसको भी लिए हुए है। कोई आदमी सोचता है से फ्री में हमको कोई चीज़ नहीं मिले, है ना? तो वो शब्द बोले थे, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल बेस पे लोग जो है अलग पॉइंट को ले जाता है, अलग चीज़ भुना दी। अरे भाई चिराग पासवान जो है अब उसमें चल गए हैं तो ये आरक्षण खत्म करवा देंगे, संविधान खत्म। ये चीज मानते हैं ना कि आरक्षण जो है, आपका कहना सही है कि जिसको मतलब अमीरी रेखा भी उसका भी गिनती जो है होना चाहिए, गरीबी रेखा का हुआ तो अमीर का भी होना चाहिए। अमीरी रेखा, जब गरीबी रेखा तय हुआ तो अमीरी रेखा भी तय हो, और गरीबी और अमीरी के अंतराल जो इतना बड़ा जो खाई है इसको पाटने के लिए कौन आवाज उठाएगा? 40 साल हमारे देश, हमारे यहाँ लालू प्रसाद जी तो बोल रहे हैं, सुनिए लालू प्रसाद जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो मुसलमान को जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण देने की देंगे। क्या बोले हैं ना कि हम लोग जो है मुसलमान को, आप OBC EBC मुसलमान नहीं है, वो तो बयान दिए हैं ना कि मुसलमान को हम लोग देंगे। सभी जाति धर्म के लोग हैं, और हम किसी जाति धर्म के लोग के बात नहीं करते, हम अमीरी और गरीबी के बात करते हैं। हमारे देश में क्या ब्राह्मण समाज में गरीबी नहीं है? क्या उनको उनको जो है उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? तो आप दिए उसका कोई लाभ ही नहीं है आम लोग को। हमको जो है आज़ादी मिला, लेकिन संपूर्ण आज़ादी नहीं मिला है। हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, आर्थिक आज़ादी नहीं मिला है, आर्थिक आज़ादी भी हमें चाहिए, ये हमें कहना है। आप कुछ बोलिएगा, इतना देर से बहस हो रहा था, आप जो बताए मुस्लिम की आज़ादी, जो बोले मुस्लिम की आज़ादी, ये देश लोकतंत्र देश है, हर धर्म का हर मजहब का अपना हिसाब से जीने का आज़ादी मिला है इस देश में, लोकतंत्र का देश है ना जी। इस धर्म में हर लोग को अपना अपना मजहब के हिसाब से बोलने का आज़ादी मिला है, मिला ना जी। लालू प्रसाद जो है गरीब, जितना जो जबरदस्त जो देश के आदमी गरीब जो था ना, उसके लिए वही आवाज़ उठा है, मोदी जी आवाज़ नहीं उठाए। मोदी जी आज बोलते हैं कि ये कर दिए, सारा जो है कांग्रेस का ही देन है, टोटल कांग्रेस।
आई रोड ये बन गया ना। पिछलका बार दो बार से भाजपा सरकार आ रही, सुनिए ना, एगो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दो बार जो है मोदी सरकार रहे हैं, है ना, तो दोनों बार में आप लोग किसको वोट किए थे? वोट के छोड़िए ना, ये रोड जो बना हुआ है ना, अब बना हुआ तो मोदी सरकार आगे तो चौड़ा कर, कांग्रेस के देन है, पहले तुम लोग चौड़ा कर देंगे, नहीं रहता कहाँ से चौड़ा कर देते। ये तो है कि भाई 100 साल से जो है कांग्रेस की सरकार ही रही, 10 साल से आए एक टर्म जो है चलाए, वो बात तो अलग है। वो जो है देश की आजादी से लेकर हर कुछ काम किया, और लोग कहते हैं 70 साल कांग्रेस राज चला, 70 साल कांग्रेस राज नहीं चला है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और भी थे, ये लोग कभी कोई पूछ रहा है बता रहा है, कभी नहीं बता रहा है, सीधा 70 साल कह देता है। हम तो कम पढ़े लिखे, आप तो कुछ बोलिए, हम क्या बोले, मतलब कि यही है कि हम हाजीपुर में बहुत घूमे हैं, बहुत भी पलरा तो लग रहा कि देखिए सिर्फ चंदर राम है कि चिराग पासवान है, तो वोट 20 तारीख को दिया जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो, अरे एक बार सेकंड, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही नेशनल टीवी को सब्सक्राइब करें। नाम है मेरा प्रेम भारद्वाज।